एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज फिर से है ये मीशो हॉल। तो आज थोड़ी ही चीजें हैं, मैं आप लोगों को रैंडमली दिखा देने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है मीशो से और क्या क्या मुझे रिसीव हुआ है, किस तरह से रिसीव हुआ है, उसका रिव्यू, उसकी प्राइस, उसका कोड, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए बिना कुछ डिले किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शेयर करेंगे ये पार्सल और इसमें है एक ऑरेंज कलर की साड़ी। ऑरेंज कलर की साड़ी मैंने ऑर्डर किया है, प्राइस मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी। और साड़ी की क्वालिटी अच्छी है और ये मैं क्यों ऑर्डर किया है ये भी मैं बता देती हूँ आपको। तो इसकी क्वालिटी अच्छी है साड़ी की, मुझे अच्छी लगी। और ये मैंने ऑर्डर किया है एक लहंगा डिजाइन करने के लिए, उसका पिक मैं स्क्रीन पर लगा दे रही हूँ। तो ये मैंने ऑर्डर किया है एक लहंगा डिजाइन करने के लिए, उसका पिक मैं स्क्रीन पे लगा दे रही हूँ। अगर मैं मीटर के हिसाब से इसका फैब्रिक लेने को गई होती थी तो पर मीटर 100 रुपीज एटलीस्ट पड़ा होता था, पर मैं जो साड़ी उससे ज्यादा चीप में पड़ गई। और ये बहुत बहुत सॉफ्ट कपड़ा मुझे लगा इसका, ये प्योर जॉर्जेट है तो ये मुझे पसंद आया। 10 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट हम जाते हैं ये छोटे से प्रोडक्ट की ओर। इसमें है ये कावरी शेल्स, इसकी प्राइस मैं लगा दूंगी 200 समथिंग इसकी प्राइस। तो ये कावरी शेल तो है 100 पीसेस है, एक व्हाइट कलर का है और दूसरा वाला मल्टी कलर का। पर ये इतना चिपटा चिपटा है, ये बिल्कुल कावरी शेल की तरह नहीं दिख रहा ऐसा, तो मतलब अच्छा नहीं दिख रहा। ये प्लास्टिक का है 100 का, पर इसको मैं यूज करने वाली हूँ एक ब्लाउज बनाने में, उसका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ लेके जरूर आऊंगी। और यहाँ पे है मल्टी कलर वाले कावरी सेल्स, तो हम इससे ज्वेलरी बनाएंगे बहुत सारे वाले। तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रोडक्ट, इसको 10 आउट ऑफ 8 क्योंकि उसका शेप उतना कावरी सेल जैसा नहीं लग रहा, आर्टिफिशियल है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा ये, एक्चुअली ये नहीं, ये नेक्स्ट थिंग है ये हमारा मेकअप, सॉरी ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर, जो कुछ इस तरह से है। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छे से लगी। और देखो मैंने पूरी ज्वेलरी मेरी ऑर्गेनाइज कर दी है। मैंने इसका सेट ऑफ 2 लिया था, तो देखो ये वाली डब्बी भर गई है पूरी, इसमें हाफ है और ये दोनों, मतलब इसमें मेरी पूरी ज्वेलरी आ गई है अप्रोक्सीमेटली, थोड़ी बहुत इधर उधर है, बहुत अच्छे से अरेंज हो गई है। और इसमें ये जो कंपार्टमेंट्स है ना, वो सारे एडजस्टेबल कंपार्टमेंट्स है। देखो यहाँ पे इस तरह से आप इसको इस तरह से लगा सकते हो, तो एडजस्टेबल कंपार्टमेंट है, इसलिए मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आपको कोई बड़ी ज्वेलरी रखनी है तो इस तरह से आप रख सकते हो पूरा ऐसे हटा के। अगर आपको मेरे इयररिंग्स और ज्वेलरी के हॉल देखने हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी। तो ये मेरे 2 डब्बे हो गए मेरे ज्वेलरी, और ये है मेरा ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इसको मैं दूंगी 10 आउट ऑफ 10 क्योंकि ये मेरे लिए बहुत काम की चीज है और बहुत अच्छी चीज मुझे लगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर चलते हैं हम। तो ये है वो बैग जो मैंने लिया था मीशो से, ये देखने में काफी अच्छा है। इसका ये पम 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 बहुत अच्छा है, यहाँ पे एक टैग है कुछ ऐसा करके, यहाँ इसको खोलने के लिए एक ही जीभ है, यहाँ से देखो एक जीभ है इधर से और एक इधर है, 2। अच्छा खासा स्पेस है इसमें, अच्छे खासे सामान आ जाते हैं, पर थोड़ी सी क्वालिटी डाउन है। मैंने इसको 2-3 दिन यूज किया है, 3 से 4 दिन यूज किया, उसकी ये हालत कुछ ऐसी हो गई है यहाँ से, तो क्वालिटी वाइज थोड़ी डाउन लगी मुझे, बाकी अच्छी लगी मुझे ये बैग। पर अच्छे लग के क्या करेगा, चलना तो चाहिए ना, तो क्वालिटी वाइज थोड़ी डाउन लगी। तो यहाँ पे होता है मेरे मीशो हॉल का, मिनी मीशो हॉल का खत्म प्रोडक्ट्स अभी के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट बिलो फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।